मुंडा पांडे से ठाकुर अविनाश चौहान प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड जिला अध्यक्ष मुरादाबाद भारतीय किसान यूनियन भानु ग्राम प्रधान एरोलापति ग्राम पंचायत रनिया ठेर की तरफ नगर पंचायत चुनाव महापौर मुरादाबाद मंडल सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को पूर्ण समर्थन देगी। योगी बाबा की वजह से कि उन्होंने किसानों नलकूपों के बिजली के बिल पूर्ण तरीके से माफ कर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी सरकार है। इसमें बैठे प्रदेश सरकार के मुखिया और भारत सरकार के मुखिया किसान हितैषी हैं, इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु ने पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत महापौर के चुनाव में पूर्ण समर्थन दिया है और अपील की जनता से कि पूरी तरीके से मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के हित में करें। वे पूर्व महापौर के दूसरे प्रत्याशी विनोद अग्रवाल जी को अच्छे मतों से विजयी होंगे क्योंकि किसान एक गांव में नहीं शहर में भी बसा है। मैं ठाकुर अविनाश कुमार चौहान प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड जिला अध्यक्ष मुरादाबाद भारतीय किसान भानु से ग्राम प्रधान मुंडा पांडे जिला मुरादाबाद से हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से और हमारे माध्यम से पूरे भारत में पूरे उत्तर प्रदेश में जो महापौर नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से समर्थन दिया गया है। आगामी चुनावों में लोकसभा में भी पूरा दिया जाएगा। क्योंकि क्यों दिया जाएगा? क्योंकि हमारे इस भारतीय जनता पार्टी में जो मुखिया है उत्तर प्रदेश सरकार के बाबा योगी आदित्यनाथ बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और हमें उन पर गर्व है। वो इसी तरीके से काम करते रहेंगे। और विनोद अग्रवाल जी जो महापौर द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है मुरादाबाद से, उनके लिए हमने अपील करी है पूरे मंडल में कि जो किसान हैं गांव का है आदमी वो भी तो नगर में रह रहा है, मकान बनाया है, बच्चे पढ़ा रहा है, नौकरी कर रहा है, सर्विस कर रहा है, सब गाँव के लिए गए हुए लोग हैं। तो किसान हर जगह है, शहर में भी है, ऐसा नहीं है। हमने अपील करी है अच्छे मतों से उनको विजयी बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत की। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव से पहले एक घोषणा करी थी कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह के माध्यम से मैं किसानों के बिजली के ट्यूबवेल के बिल माफ करूँगा, किसानों को फ्री बिजली देंगे। तो वो 1 अप्रैल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे भारतीय किसान भानु के माध्यम से पूरा बिल किसानों को माफ़ कर दिया है। इसका हम आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम अपील करते हैं किसानों से कि किसान भाई सब बाबा का साथ दें, बाबा आने वाले समय में किसानों का पूरा उद्धार के संगठन आयोग का गठन करा दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, वंदे मातरम। और फिर मैं एक बार फिर अपील कर रहा हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ बाबा योगी आदित्यनाथ सी श्री 1008 की ऐसे प्रदेश सरकार के मुखिया बने हैं जो कि उनको पूरे भारत का मुखिया बनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा आगे को आने वाले समय में। और सारी जनता, पूरी भारत की जनता, उत्तर प्रदेश जनता उनसे खुश है। और अगर कोई भी मेरे बाबा को योगी आदित्यनाथ जी को कोई भी अगर टिप्पणी करेगा, दुर्व्यवहार की बातें करेगा या उन्होंने किसी को भी है जो कि